आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए बैठिए, आप मोदी चाचा नहीं, बैठिए। ये सिर्फ सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को कारगिल समझ बैठे हैं। भाई साहब, अगर आपको कारगिल देखना है तो जांस्कार जाइए, वाखा मूलबेग शारगोल जाइए, आर्यन बेली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए। 70% कारगिल के एरियाज जो है, वहां के लोग जो है, आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, इस बिल के समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी, आज ये वही वक्तव्य दे रहा है। अध्यक्ष जी सुनिए सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। अध्यक्ष जी, कारगिल में जो अभी कह रहा है, ये इन्होंने फोन करके करवा रहा है। उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, इनके जबान पे नहीं जाना चाहिए। ये अपने मुफ्त के लिए, अपने हित के लिए किसी को भी ना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, आज से 66 वर्ष पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जो उन्होंने संघर्ष लिया, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ कहता हूं, इनको नहीं पता लद्दाख वालों ने अभी क्या किया आज तक। 2011 में आज ये कह रहे कि हमारा झंडा जा रहा है, झंडा जा रहा है। भाई साहब, आपका झंडा तो लद्दाख वालों ने 2011 में नकारा है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले ने रेजोल्यूशन पास किया 2011 में। जम्मू कश्मीर के जो झंडा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, जो कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर के रैंक के होते, उनको उनके गाड़ी को लगता था। हमने उस झंडा को नकारा, हमने नेशनल एम्ब्लेम वाला वहां पे लगाया, क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते हैं। ये है लद्दाख, क्योंकि हम मानते हैं आन देश की, शान देश की है हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। अध्यक्ष जी, बड़े आयरोनिकल बात है, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब अपने कुर्सी के बारे आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रासरूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे, लेकिन अपने घर का रोटी चलना चाहिए। ऐसा विचारधारा हम एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, जो कुछ लोग, जो मैं बार बार दो परिवार की जिक्र कर रहा हूं, ये परिवारें जो है कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है, वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं, नशे में है वो। वो आज भी समझ रहे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है, नहीं रहा। अध्यक्ष जी, मैं अंत में इसको कंक्लूड करने से पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को और पूरे सहयोगी दल को, और जिनका दल नहीं है लेकिन इस बिल के फेवर में आने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं लद्दाख, पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से
धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लद्दाखियों के सेंटीमेंट को, एस्पिरेशन को सुना जा रहा है। उस लद्दाख के जो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं, उस लद्दाख के महत्वपूर्ण को समझ रहे हैं। इस सरकार में इस बिल को हम वेलकम करते हैं, और हम एक अंत में जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य बहुत लंबी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और मैं देखता हूं सदन में हमेशा सार्वगर्भित बात कहते हैं माननीय सदस्य। मैं जानता हूं माननीय सदस्य बहुत लंबी लोकसभा क्षेत्र है, और नौजवान होकर जब भी सदन में बोलते हैं, मैंने जब भी देखा अच्छा बोलते हैं, ऐसे माननीय सदस्यों को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। श्री ऑनरेबल स्पीकर सर, जिस हसन मसूद जी ने जो इधर रखा है आर्ग्यूमेंट, वो पूरे इतिहास के खिलाफ है और सत्य के बहुत दूर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं तुरंत आप वो जो कुछ भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहा है वो तो बिल्कुल सत्य के खिलाफ है, एक्सपेंड किया, उसको तुरंत एक्सपेंड किया जाए, ये तो हमारा निवेदन है, एक्सपेंड कर दिया जाए। माननीय चिराग पासवान जी। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के समर्थन में अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, सर्वप्रथम मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और एनडीए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो ऐतिहासिक फैसला, जो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। सर, आज तक हम लोग सिर्फ एक सपना देखते आए थे, और मेरे जैसा युवा सर, मैं आज 35 साल से मैं तो कम से कम यही देखता आया हूं कि निरंतर हम लोग सुनते आए, मेरी उम्र का हर युवा सुनता आया, अखंड देश अखंड भारत की बात हम सुनते आए। पर सर, आज सही मायनों में अगर देश को अखंड एकता में जोड़ा गया है, अगर अखंड भारत को सही मायनों में अस्तित्व दिया है, तो हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक डोर में बांधा गया है। सर, आज तक हमें यही कहने की जरूरत क्यों पड़ती थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? मैंने आज तक सर कभी नहीं सुना कि हमने बोला हो कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है, या राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है, या तमिलनाडु या केरला भारत का अभिन्न अंग है, या उत्तर प्रदेश या बिहार भारत का अभिन्न अंग है। निरंतर हमको इस बात को कहने की जरूरत पड़ी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि हमने खुद कश्मीर को एक धारा देकर, 370 देकर हमने कश्मीर को पूरे देश से अलग करके रखा। उनके अपने विशेषाधिकार रहे, उनके अपने तौर तरीके अलग रहे, और आज जब उसको सही मायनों में सर इस धारा को हटाने से आज सही मायनों में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा बना है। इसीलिए सर आज मुझे खुशी होती है कि सर जब हम लोगों के ऊपर आज तक ये आरोप लगते रहे कि भैया ये तो जुमलों की सरकार है, और आज हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा आपने उसको पूरा कर दिया। आज पहली बार विपक्ष के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि हम लोगों ने चुनाव के वक्त जो जो वादे किए थे, जो जो बातें की थी, उसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। सर, मुझे दुख होता था सर जब मैं अपनी उम्र के युवाओं को देखता था, मैं खुद जम्मू कश्मीर गया हूँ सर, मैं लद्दाख गया हूँ, मेरे युवा साथी जो लद्दाख से आते, उन्होंने आज जिन बातों को कहा, खुद मैंने उनको वहां पर रहकर महसूस किया सर। जब मैं जाता था मुझे दुख होता था, जब मैं अपनी उम्र के लड़कों के हाथ में पत्थर देखता था, जब मैं उनको स्टोन पेल्टर्स कहकर जब उनको अपमानित किया जाता था, उस वक्त मेरे मन में ये विषय उठते थे कि क्यों
क्यों आज के इस युवा के हाथ में किताबों की जगह पत्थर पकड़ने की जरूरत पड़ी। पर सर, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, बल्कि हमारे वहां के युवा जो कभी ना कभी भ्रमित होते हैं, उनके लिए जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तो वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करेंगे। इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर जो विकास की राह से भटका हुआ था, इतनी खूबसूरत जगह, इतने खूबसूरत वहां के लोग, पर आज भी जब पर्यटक वहां पर जाते तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर का भाव होता है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से जम्मू कश्मीर जो इतने लंबे समय से विकास की राह से अछूता रहा है, वो विकास की राह से जुड़ेगा। लद्दाख जो इतनी खूबसूरत जगह है, उसको एक अपनी अलग पहचान मिली है। अलग यूटी बनने के बाद लद्दाख की भी जितनी भी उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने में हमारी सरकार के इस फैसले में उसमें एक बड़ा हाथ होगा। और सर, आतंकवाद जिससे लंबे समय से वो क्षेत्र ग्रसित रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी जैसे सक्षम व्यक्ति जब उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग अंकुश लगाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। अंत में सर, मैं पुनः इस फैसले पर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं, और मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को ढेर सारी बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर शशि थरूर साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। इनफैक्ट गिवन द एंथुसियाज्म वी हैव जस्ट हर्ड फ्रॉम अ कपल ऑफ स्पीकर्स, आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सेड दैट ही लमेंटेड दैट द कांग्रेस पार्टी हैड कॉल्ड दिस ए ब्लैक डे। Let me explain why we think it is indeed a dark day for India's democracy. You have brought this bill, sir, to this House without consultation with the local parties, with the state legislature out of session for more than 6 months, with democratically elected political leaders, including two former MPs, two former CMs of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest, and the whereabouts of our own colleague, Dr. Farooq Abdullah, unclear. We still need to know where he is. He has not. In bar clear karna manya sab adhyaksh ji, main phir se ek bar clear karna chahta hu. We will take your word for it. We'd like some assurance from him. Ek second. Maine teen bar clear kiya, magar bar bar opposition ne mudda keh raha hai. Farooq Abdullah ji apne ghar mein hai, na house arrest hai, na detention mein hai, tabiyat bhi achhi hai aur mauj masti mein hai. Aap zara baat kar lijiye. Sir, सर, उसने टेलीविजन पे कहा है कि उसे बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग। सर जाइए, सदन को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूं, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। ठीक है सर, आई वॉज कंटिन्यूइंग माई लिस्ट ऑफ कंसर्न्स विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज्ड, with education institutions closed, exams postponed, television networks suspended, communications out, landlines blocked, internet down, and most important, with flagrant disregard for both the letter and the spirit of our constitution. The claim that Jammu and Kashmir is an integral part of India is also our claim, sir. There is no political divide on that proposition. It is the Congress party's belief, and we are not challenging them. But the way you have pursued that claim with this bill, sir, is an affront to our very values as a democracy, as a nation, and has already done serious damage to our international standing and our credibility as a nation of laws, as a nation of democracy, and above all of the culture of decency, which was our culture in the way this has been carried out. That has also been betrayed. It is clear that the false pretense of terrorism to get people out from the Amarnath Yatra and elsewhere, the use of utter secrecy, the deployment of overwhelming force and arrests has revealed, frankly, a certain disdain, a certain contempt for liberty, for the rule of law, and, frankly, for the very conventions of our democracy that have sustained us for 70 years. That's why we said it's a dark day, sir. The truth is that if you look, I'm sure you will get this bill through this House very easily. You have a crushing brute majority. But the tradition of consultation, of deliberation, of consensus will lie in shreds.
Now, others have already spoken about the legal issues, including my colleague Manish Tiwari, and I know you will make counter-arguments on the legal points. I'm not a lawyer, so I will leave that debate to the courts. But let me confine myself on the legal side to saying simply that you have changed the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India without consulting them or their elected representatives. This is a breathtaking betrayal of our democracy and nothing short of legislative authoritarianism. By claiming that the concurrence of the state of Jammu and Kashmir has been obtained, and when it is under President's rule, and translating therefore state to mean the governor you have yourselves appointed, you have taken your own consent to amend the Constitution. And that too, Sir, President's rule is meant to be temporary, only meant to happen when the constitutional machinery breaks down and no elections are possible. But decisions of a permanent character have now been taken. Even if you can convince us that you're upholding the letter of the law, this action betrays the spirit of the Constitution. So I won't talk much more about law, but let me just look at the consequences, sir. I'm very glad the Home Minister is listening so attentively. I think many of us would like to see the Prime Minister also explain this decision of the government to this House, of which he is a member and to which he is accountable. We all remember the last time the PM unleashed a shock decision to the nation, which was also initially applauded for his decisiveness, just like today. And that was the disaster of demonetization. The nation is still dealing with the devastating consequences of that action. I fear that you've inflicted upon us the political equivalent of demonetization, where the short and medium-term damage will greatly outweigh the long-term theoretical benefits. So let's look at the short-term damage already, which has already been done. Tourism, the lifeline of Kashmir, has been devastated. We know, sir, that we've spent decades, your government, our government, all governments, to convey a message of normalcy to the world. We've had so many advisories by foreign governments telling their citizens not to travel to Kashmir. All that, all those decades of effort to show this is not a state in crisis have been undone by this action. And ironically, Prime Minister Modi has said to the youth of Kashmir, they must choose between tourism and terrorism. With all the unemployment in Kashmir that has been mentioned already, the truth is tourism could have absorbed some of the young people. They have doubled the rate of unemployment of the rest of India, 24.6%. Now, what I want to say to you is, instead, we all know that though tourism, when it goes up, unemployment goes down, what is going to happen today is that you have actually thrown out the tourists from Jammu and Kashmir. So advisories are back in foreign countries, tourists are out, shikara operators are out of business, handicraft makers and carpet weavers are broke, and the Amarnath Yatra has been rudely interrupted. But even so, sir, our fellow citizens, what conditions are they living in? We are proud to say Kashmiris are our fellow citizens. But I ask you, sir, look at a place where stores are closed, petrol pumps are closed, there is a shortage of fuel and essential supplies are beginning to run out. There's no communications available. People can't even watch television unless they have a satellite link, which very few rich ones have. Nearly 7 to 8 million citizens of our country are living in a near total blackout. Isn't this a betrayal of Vajpayee's famous formula of insaniyat, jumhuriyat and kashmiriyat? Let me ask you, sir, when will Achhe Din come for the people of Kashmir? Oh, yes, yes. When they are locked up behind their own homes. Sir, the fact is that a state, let me talk, Minister Sir, a state that was gently prospering, despite the troubles, Kashmir's gross state domestic product was better than 12 other states and union territories in our country. That state has been given an economic setback in the name of your reform and progress. In the name of unity, you are promoting division. And in the name of prosperity, you are promoting poverty in Kashmir. I feel this is a very sad situation. Now let's look at the medium-term consequences that are going to follow. Obviously, security, sir. The Home Minister has to be concerned about this, because by locking up the democratic parties and their leaders, you're opening up a space for undemocratic forces. You claim that we were winning the battle against terrorism, and perhaps we were, but now we're giving a fresh lease of life to the terrorists. And must say, we are facing a situation in which they can cite a new injustice for them to fight.
You have made the mainstream pro-India parties irrelevant and powerless to stop extremism. That is the legacy that this decision is going to give our country. You may drive more misguided young Kashmiris to join the militants than ever before. And our brave Jawans will be even more in harm's way and in danger as a result of this action. And when the Americans complete their withdrawal from Afghanistan and the Taliban, of course, their victory is complete, there will be a lot of idle Mujahideen and ISIS and Al-Qaeda ready to join Pakistan's efforts to attack our country. You have given them more excuses to seek help and money for their nefarious work. And, of course, we know what's happening to our federalism. Everyone has said this, I will be brief on that, that the various states in the Northeast, as well as for that matter Himachal, have very similar restrictions under Article 371. If all it takes is for this government to declare president's rule and use their majority in this parliament to make decisions for the legislatures of those states, are any of them safe? What has happened to our nation's respect for federalism, for minority rights? Can any Indian anywhere take his constitutional protections for granted? Sir, I need a few more minutes, sir. Just a couple more minutes. The international implications are very serious for our country. Conclude, sir, with this action, we have thrown out 70 years of assurances to the international community and the UN. Pakistan has already taken the issue to the UN, sir, and is speaking to its foreign friends, and the UN has issued a statement calling for restraint. Is this not embarrassing for our nation? In the process, sir, we've also jeopardized, frankly, our claims to be okay, because that rested on the question of the accession of the whole state, and thanks to this decision, the whole state no longer exists. Our diplomats posted in Muslim countries have been given an impossible job, because we know that Pakistan has already come knocking on the doors of these countries for support. Sir, the government is in a habit of portraying opposition to its initiatives as anti-national. Sir, there is no need to teach the Congress party about nationalism. We are the original party of nationalism, sir. Sir, we have fought for values that were forged in the crucible of the freedom struggle, sir. And the fact is that the inclusiveness of India came from the inclusiveness of the freedom struggle, when Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Parsis, everyone came together, when Keralites and Kashmiris fought together for our freedom. Yes. Sir, this diversity has been an asset of ours. We must come together as a nation and stand up unitedly for these values that animated our freedom struggle. Oh, we are a great country, sir. We are a large-hearted country. Let us not be petty in dishonoring the carefully crafted arrangements that enshrine the state's accession to India. We used to be saying with pride that a Muslim-majority state is part of India despite partition. We have lost that, sir. We in the Congress party stand in unequivocal solidarity with the people of Kashmir, with the constitution of India, and with the spirit of Indian democracy, which is today in tatters. The people of Kashmir are looking to us to prove that they really matter to us and to this parliament. Sir, I do want to say you had promised me some extra time, and the chairman who's sitting there, to respond to the historical inaccuracies that we heard from the other side. I do want to clarify one thing about that, sir, because already this forum, this parliament, is not being treated as a forum for discussion or as a source of advice that the government will hear. It is being treated as a notice board, as one paper called it, in which, honestly, you can just post the decisions you've taken. Let me just tell you, sir, as, please, you tell me when. When will Kashmiri parents be able to take their children to school? When will they be able to watch TV? When will they be able to go out and buy food? Then we'll talk. But let me come back, sir. Nehruji has been demonized here, and he has been criticized by very many speakers, particularly those from the ruling party. It's very interesting. You know what he said on the subject, sir? He said, in the Lok Sabha, in August 1952, exactly 6-7 years ago, he said, we fought the good fight about Kashmir on the field of battle and in many a chancellery of the world and in the United Nations. But above all, we have fought this fight in the hearts and minds of men and women of that state of Jammu and Kashmir. Because ultimately, he says, I say this with all deference to this parliament, the decision will be made in the hearts and minds of the men and women of Kashmir, neither in this parliament, nor in the United Nations, nor by anybody else, sir. This is the advice we must all remember today. And, sir, to respond specifically to the question of 370, the BJP has made two allegations, that Nehruji came up with it on his own, and that Sardar Patel had nothing to do with it. Let me clarify the actual facts, sir. The President, sir, the Home Minister is right. I have to clarify. There's a misleading record in the House, sir. He's agreed. The Home Minister is actually
correct in saying that the cabinet collectively did not decide. What happened was, sir, on the 15th and 16th of October 1949, at Sardar Vallabhbhai Patel's home, negotiations. Let me finish, sir. अध्यक्ष महोदय ऐसा है थरूर जी प्लीज सुनिए थरूर जी प्लीज सुनिए थरूर जी आप एक मिनट मुझे सुनिए ना एक मिनट मगर क्लेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी थरूर जी जो बात को जिस बात में मुझे को अरे सुनो तो भाई जिस बात में वो मुझे कोट कर रहे हैं इसमें मैंने सरदार पटेल के लिए नहीं कहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कहा है वो मुझे गलत कोट कर रहे हैं मसूदी साहब ने जब कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 लेकर आए तब मैं खड़ा हुआ और मैंने स्पष्टीकरण कहा है शायद उस वक्त वो हाउस में नहीं थे इसलिए उनको किसी ने चीट गलत पकड़ा दिया उस विषय पे ठीक है अब आप बोलिए आप उस विषय पे ठीक ही बोला मैंने मान लिया मैं था यहां मैं सुना लेकिन द लार्जर इश्यू इज अनफॉर्चुनेटली वी हैव मिस्ड दिस दैट द क्लेम्स दैट हैव बीन लार्जली मेड इन दिस हाउस बाय योर पार्टी हैज आल्सो बीन दैट सरदार पटेल इफ ही हैड बीन हियर वी वुड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम इज ऑल नेहरूज इंडिविजुअल फॉल्ट आई हैव टू क्लैरिफाई दैट सर Nehru ji did not do anything on his own. There were three accessions, as been mentioned already, including by Dr. Jitendra Singh. There was Hyderabad, Junagadh, Kashmir. All three had to be treated by Nehru ji and Sardar Patel together, without exception, sir. What is more, this question of a plebiscite, which somebody said is a bizarre thing that we have done, I'm sorry, the plebiscite was promised for all three places. It's there in the record, sir. And the problem with misrepresenting history is कंक्लूड करें माननीय जयदेव बल्ला जी आई वांट फिनिश सर प्लीज लेट मी क्लेरिफाई सदस्य माननीय सदस्य प्लीज सभी राजनीतिक दल हैं आपका अकेले का दल नहीं है यहाँ पर और भी छोटे छोटे कई राजनीतिक दल हैं माननीय सदस्य ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक दल हो अकेली सबको मौका देंगे हाँ कंक्लूड करो आप नौ ऐसे नहीं माननीय सदस्य सब खड़े हो जाओगे नौ तरीका बैठिए अध्यक्ष महोदय क्योंकि मेरा नाम अरे माननीय सदस्य मेरा नाम आप कर देना माननीय गृह मंत्री जी उद्घोषित सर लेट मी जस्ट फिनिश सर आई हैव नॉट गिवन यू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स वन सेकंड ऑल आई वांट टू से इज उसके बाद में मौका दे दूंगा ऑन द 15th एंड 16th ऑफ अक्टूबर 1949 मीटिंग्स टुक प्लेस विद सरदार वल्लभभाई पटेल जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला इन द हाउस ऑफ सरदार पटेल And Minister without portfolio was looking after Kashmir, Shri N. Gopalaswamy Iyengar, took detailed notes. He sent a summary of the notes of these conclusions to Sardar Patel with the following covering note. Will you kindly let Jawaharlal ji know direct as to your approval of it? He will issue the letter to Sheikh Abdullah only after receiving your approval. That approval came, sir, on the 17th of October 1949 from Sardar Patel, and only then was 370 brought into the Constitution of India on 17th October 1949. Sir, itihas will appoint it. All these records have now been declassified. They're available, sir. So I just want to conclude with one thing, one last sentence. This finally, sir, is an assault on the Constitution, on the inclusive idea of India. It's an assault on the spirit of cooperative federalism. It's an assault on our democratic practices and an assault on the individual liberties of each and every one of our citizens from the state of Jammu and Kashmir. And therefore, sir, it is an attack on our own country's democracy and values. So in the long-term interests of India, sir, and for Indian democracy, and as proud Indian nationalists, sir, my party rejects this bill. I would also request the Home Minister, would he accept a request from my party to lead or to conduct or to organize an all-party delegation to visit Kashmir and see for ourselves what the situation is on the ground? I'll leave that question with the Home Minister. Thank you. Jitendra Singh ji. मैंने माननीय सदस्य शशि थरूर जी की बात सुनी ध्यान से प्लेबी साइड का क्लॉज कहीं नहीं रखा गया था आजादी के समय भारत के दो हिस्से थे प्रिंसली इंडिया ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली इंडिया में 550 से अधिक राजवाड़े थे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट शशि थरूर जी इज अ लिटरेट पर्सन
जो लॉर्ड माउंटबेटन ने